एक किसी के गले में फंस गए कुछ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? प्लीज रेज योर हैंड्स इफ यू कैन हियर मी। ओके स्टूडेंट्स, वी आर कंटिन्यूइंग द चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। यस्टरडे वी डिड अबाउट बेस, उससे पहले हमने किया था एसिड, राइट? सो एक क्विक रिकॉल के बाद विल स्टार्ट विद सॉल्ट टुडे। सो एसिड्स में वी डिड दैट एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, राइट? जो भी चीजें एसिडिक है नेचर में वो भी सिमिलर रिएक्शन देती हैं। अब एसिडिक क्या क्या चीज है? जितने भी नॉन मेटल हैं, नॉन मेटल की ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, एंड जितने भी मेटल्स हैं, मेटल की ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो जरूरी नहीं कि आपके पास नॉर्मल एसिड HCl, H2SO4 ऐसा ही कुछ हो। अगर आपके पास इसके बजाय कुछ नॉन मेटल की ऑक्साइड्स हैं, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एसिडिक इन नेचर। सो नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स विल कंबाइन विद बेस टू गिव यू सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, या बेस की जगह आपके पास हो सकती है मेटालिक ऑक्साइड एंड दैट विल गिव यू सॉल्ट प्लस वॉटर। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। आपने अभी तक किया कि अगर आप मेटल के साथ रिएक्शन करवाते हो, जैसे आपके पास कोई मेटल है, मेटल प्लस एसिड, व्हाट डू यू गेट इफ यू ऐड एसिड टू मेटल? व्हाट प्रोडक्ट्स डू यू गेट इफ यू ऐड एसिड टू मेटल? व्हाट डू यू गेट? मेटल कैसा है? बेसिक है नेचर में, राइट? सो बेस प्लस will give you salt plus hydrogen, right? But what will you get if you add metal and base? If you react these two things, what are the products you'll get here? Metal plus base give you? Yes, please, anybody? What are the products when you react base with the metal? No, get salt plus hydrogen. लेकिन ये रिएक्शन हर कोई एलिमेंट नहीं दे सकता है। ये रिएक्शन स्पेसिफिकली इस तरह के मेटल शो कर सकते हैं जिनकी टेंडेंसी है एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करने की, जो कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं हो सकते, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं हो सकते, ठीक है? पर उनकी टेंडेंसी होती है दोनों तरह के एसिड और बेसिक बेसिक चीजों के साथ रिएक्ट करने की। जैसे कि इस तरह का मेटल है जिंक एंड एल्यूमिनियम, ठीक है? आपने एक्टिविटी भी पढ़ी होगी जिंक में, व्हेन यू ऐड एसिड व्हाट डू यू गेट? Zn प्लस HCl गिव्स यू Zn2 प्लस हाइड्रोजन। दिस इज मेटल, दिस इज एसिड, दिस गिव्स यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। अगर आपके पास यहां पर एसिड की जगह बेस हो, इफ यू एड NaOH टू जिंक, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स यू गोइंग टू गेट? क्या प्रोडक्ट्स मिलेंगे बेस के साथ? देखो, हाइड्रोजन तो मिलेगा, पर साथ में क्या मिलेगा आपको?
एनीबडी, व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ऐड NaOH टू जिंक? बोलो। अच्छा, मैंने फर्स्ट डे आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताई थी, आप मुझे बता सकते हो सोडियम और जिंक में ज्यादा रिएक्टिव कौन है? Which is more reactive, sodium or zinc? सोडियम। ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन जो लेस रिएक्टिव है दैट कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक। दैट मीन्स जिंक कैन नॉट डिस्प्लेस सोडियम बिकॉज इट इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम। तो ये नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगा। जिंक लेस रिएक्टिव है तो वो ZnOH या ZnOH ट्वाइस नहीं बना सकता है, क्योंकि सोडियम को वो डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई भी लेस रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहाँ आपको एक कॉम्प्लेक्स मिलता है Na2ZnO2, ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, लेकिन साथ में हाइड्रोजन भी आपको मिलेगा। ठीक है, सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शन कैन बी सीन व्हेन यू ऐड एसिड और बेस टू एल्यूमिनियम। ठीक है, ये मेटलॉइड कैटेगरी के हैं एलिमेंट्स, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, बहुत कम रिएक्टिव भी नहीं है। ठीक है, इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी है इनकी। सो व्हेन एसिड इज एडेड टू मेटल यू गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, एंड व्हेन बेस इज एडेड टू मेटल अगेन यू गेट सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मगर ये मेटल सारी तरह के नहीं हो सकते, ये मेटल स्पेसिफिकली आपके पास होंगे जिंक एल्यूमिनियम टाइप, जो कि इंटरमीडिएट रिएक्टिविटी वाले हैं। राइट, देन ये जो जिंक आप लेते हो, आपने एक एक्टिविटी में किया होगा कि ये जिंक आप इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स लेते हो, आप स्ट्रिप नहीं लेते हो, आप ग्रैन्यूल्स लेते हो। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट? क्या जरूरत है जिंक को इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स लेने की? एनीबडी? जब ये एक्सपेरिमेंट किया जाता है, जिंक इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स, छोटे छोटे उसके पीसेस होते हैं, स्ट्रिप के फॉर्म में से नहीं लिया जाता, क्योंकि हमने ड्रॉप वाइज इसमें सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करना है। ठीक है, तो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में जिंक का सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इसमें से रिलीज होती हुई मिलेगी। ठीक है, तो आपका आउटपुट जो है हाइड्रोजन का, जिसका आप डिटेक्शन भी कर सकते हो, अमाउंट जो भी आपकी गैस इवॉल्व होती है, आप मैच स्टिक अगर पंप ग्लो करते हो तो उसमें आपको पॉप साउंड मिलती है। ठीक है, तो वो हाइड्रोजन की अमाउंट भी ज्यादा होगी और जो आपका आउटपुट है उसका ज्यादा होगा, जो रिएक्शन है वो जल्दी भी होगा, क्योंकि सरफेस एरिया ग्रेन्यूल्स की वजह से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। अब मैं कुछ और रिएक्शंस लिखूंगी जनरल, आपने बताना है कि क्या प्रोडक्ट उसमें मिलेगा, एसिड मिलेगा या बेस मिलेगा या सॉल्ट मिलेगा, क्या मिलेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हाइड्रोजन और क्लोरीन को रिएक्ट कराऊं तो आपको क्या मिलेगा? H2+Cl2। आप एसिड या बेस, व्हाट डू यू गेट? एचसीएल। टू एचसीएल यू गेट, दैट इज एन एसिड। ठीक है, टू एचसीएल दैट इज एन एसिड। ओके, आफ्टर दैट आप मुझे बताओ, इफ आई हैव अ मेटल एंड आई रिएक्ट विद ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन, जो भी कंपाउंड मिलेगा, इज इट एसिडिक और बेसिक? व्हाट यू गेट व्हेन यू ऐड ऑक्सीजन टू मेटल? ओके, सपोज आपका जो मेटल है वो मैग्नीशियम है, यू आर एडिंग ऑक्सीजन टू इट, यू गेट मैग्नीशियम ऑक्साइड व्हिच इज अ बेस। मेटल की ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट आपके पास
मेटल का सॉल्ट है, राइट, एंड यू एड सल्फ्यूरिक एसिड टू इट, व्हाट डू यू गेट? मेटल सॉल्ट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड. ओके, योर ऑप्शंस आर, इज इट एसिड और बेस और सॉल्ट? क्या मिलेगा आपको? सोचो, कोई मेटल का सॉल्ट जिसमें आप सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर रहे हो. जैसे मेटल का सॉल्ट, मान लो मैं देती हूँ आपको MgCl2 एंड आई पुट H2SO4 इन इट, व्हाट यू गेट? ऑपोजिट साइंस को मिला दो और देखो क्या बनता है, और उसको किस कैटेगरी में आप इंक्लूड कर सकते हो. यहाँ पर आपके पास Mg पे 2 पॉजिटिव साइन है, क्लोराइड आयन इज Cl-, हाइड्रोजन इज H पॉजिटिव एंड सल्फेट इज 2-, सो Mg2 पॉजिटिव कंबाइंस विद सल्फेट आयन एंड दिस गिव्स यू MgSO4. व्हाट इज MgSO4? इज इट एन एसिड, बेस और सॉल्ट? इट इज अ सॉल्ट. ठीक है, आपने सॉल्ट के अंदर कुछ कंपाउंड्स पढ़े होंगे, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वॉशिंग सोडा, आपने पढ़ा होगा बेकिंग सोडा, आपने पढ़ा होगा NaCl, आपने पढ़ा होगा POP, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, है ना? तो कैल्शियम सल्फेट के जैसा ही तो है मैग्नीशियम सल्फेट. तो ये क्या चीज है? ये है सॉल्ट. ठीक है, सो वेन एवर यू रिएक्ट मेटल सॉल्ट विद एसिड, यू गोइंग टू गेट सॉल्ट एज अ प्रोडक्ट. ठीक है, तो थोड़ा सा कैटेगराइज करना सीखो कि क्या चीज किससे रिएक्ट होती है. अगर ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो आगे भी आपको इजी होगा. कोई रिएक्शन अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो उसका प्रोडक्ट बनाना आपके लिए इजी होगा. देखो, जनरली तो यही होता है, ऑपोजिट साइंस एक्सचेंज हो जाते हैं. ठीक है, जनरली का मतलब ये कि एक्सेप्शन होंगी उसमें, लेकिन वैसे आपके लेवल पे जो पूछा जाएगा उसमें ऐसा सही होगा कि ऑपोजिट साइंस एक्सचेंज होंगे, एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव के साथ लग जाएगा. लेकिन जैसे अभी आपने देखा, आपने जब जिंक को NaOH के साथ रिएक्ट किया तो जिंक OH के साथ नहीं जाके लगा, वो आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी पड़ती है, डिस्प्लेसमेंट कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता है. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी आप प्रोडक्ट्स जो प्रिडिक्ट कर पाओगे. ठीक है, देन अगर आपके पास मेटल के साथ नॉन मेटल की ऑक्साइड है तो ये ज्यादा हो जाएगा, है ना? रहने देते हैं, चलो. पर अच्छा, इतना बता दो कि नॉन मेटल की ऑक्साइड का क्या नेचर होगा? इज इट एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल? नॉन मेटल की ऑक्साइड एसिडिक एसिडिक. एनी एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? एनी एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड? CO2. CO2 ठीक है, एंड व्हाट हैपेंस व्हेन यू ऐड वाटर टू CO2? व्हाट डू यू गेट व्हेन यू ऐड वॉटर टू CO2? यू गेट H2CO3 विच इज कार्बोनिक एसिड. ठीक है, दैट इज वाई CO2 इज एसिडिक इन नेचर. आप उसमें वॉटर एड करते हो तो वो आपको एक एसिड बना के दे रहा है. सिमिलरली, इफ यू एड वॉटर टू SO2, सल्फर भी नॉन मेटल है. ठीक है, सल्फर की ऑक्साइड में इफ यू पुट वाटर, दिस गिव्स यू H2SO3 विच इज सल्फ्यूरस एसिड. इफ यू एड वाटर टू NO2, दिस गिव्स यू HNO3 विच इज नाइट्रिक एसिड. ठीक है, तो नॉन मेटल की ऑक्साइड्स में व्हेन यू एडिंग वाटर यू आर गेटिंग एसिड. ठीक है, इसीलिए दे आर एसिडिक इन नेचर. ओके, एक प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना, मैं एक रिएक्शन लिख रही हूँ. यू हैव दिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड
एंड यू पुटिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन इट, व्हाट डू यू गेट? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सोचो और बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, आपके पास ये है मेटल की हाइड्रोक्साइड, दिस इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। ये है नॉन मेटल की ऑक्साइड, दिस इज एसिडिक इन नेचर, सो एसिड प्लस बेस इज गोइंग टू गिव यू सॉल्ट प्लस वॉटर। सो वॉट इज योर सॉल्ट हियर? आपको सॉल्ट के लिए चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड से ये बन जाएगा कार्बोनेट आयन, उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग आयन जो बनेगी कार्बोनेट आयन, तो दिस इज गोइंग टू गिव यू कैल्शियम कार्बोनेट। यही मैं लिखना चाह रही थी उस वक्त, तो मैंने कहा शायद आपको इंटरप्रेट करना मुश्किल होगा। तो ये है वो मेटल की हाइड्रोक्साइड, नॉट ऑक्साइड, मेटल की हाइड्रोक्साइड प्लस नॉन मेटल की ऑक्साइड, ठीक है। तो अगर आपको इन जनरल भी पूछ लें तो इनके कॉम्बिनेशन से भी, दे आर जस्ट एसिड्स एंड बेसिस, यू आर गोइंग टू गेट सॉल्ट प्लस वॉटर, ठीक है। देन एज अच्छा, मैंने आपको सॉल्ट का बताया था कि सॉल्ट को भी आगे आप कैटेगराइज कर सकते हो कि वो एसिडिक सॉल्ट है या बेसिक सॉल्ट है, ठीक है। उसके कुछ एग्जांपल्स करती हूँ। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटे, द बोर्ड इज नॉट विजिबल। ओके गिव मी अ मिनट देन। Which class is not able to see the board? All of you or any one class has this problem? Which section is not able to see the board clearly? 10th C. 10th C. Okay, wait. Give me a minute, please. ओके, जब तक बोर्ड का सेटल होता है थोड़ा सा हम ओरली थोड़ा सा करते हैं। यू कैन यू टेल मी द नेम ऑफ द एसिड्स व्हिच आर प्रेजेंट हियर? फर्स्ट वन इज विनेगर। विनेगर, व्हिच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर? इट इज एसिटिक एसिड। ऑरेंज सिट्रिक एसिड। इन टैमर ओके जी, गुड। ओके सो मैं देखती हूँ अगर आपको विजिबिलिटी बढ़ती है। आई एम यूजिंग अ डिफरेंट मार्कर, प्लीज वेट जब तक कोई आता है। सो आई टोल्ड यू कि जो सॉल्ट्स हैं दे कैन ऑल्सो बी एसिडिक और बेसिक इन नेचर, उनकी भी पीएच हो सकती है। अब अगर तो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस आपस में कंबाइन कर रहे हैं, जैसे कि NaOH प्लस HCl, दिस गिव्स यू NaCl प्लस वाटर। तो NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट? HCl इज
स्ट्रॉन्ग एसिड, सो आपको कंप्लीटली न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है NaCl. पर अभी आप बताना जो मैं रिएक्शन लिखूंगी कि उसमें सॉल्ट एसिडिक बनेगा या बेसिक बनेगा, ठीक है? सो आपका रिएक्शन है NH4OH प्लस HCl. क्या बनेगा इसमें? वाटर निकलेगा H इधर से, OH इधर से, सो यू गोइंग टू गेट NH4Cl प्लस वॉटर. सो कैन यू कैटेगराइज दिस, इज दिस एसिडिक सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट? एसिडिक. ओके फाइन, व्हाई इज इट एसिडिक सॉल्ट? बेस इज वेरी वीक, ठीक है? ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, दिस इज अ वीक बेस, लेकिन ये है स्ट्रॉन्ग एसिड. तो जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन होती है. लेकिन एसिड स्ट्रॉन्ग है, बेस वीक है, तो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं होगा. जो भी स्ट्रॉन्ग होता है उसकी आयन आपको एक्स्ट्रा मिलती है सॉल्यूशन में, एंड दैट शोज अप इन द नेचर ऑफ सॉल्ट. सो दिस अमोनियम आयन इज NH4 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. ये NH4 पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव एक्स्ट्रा रखती है. ये कैसे बनती है? NH3 इज अमोनिया, ठीक है? मैंने वाटर का एक स्ट्रक्चर हाइड्रोनियम आयन बना के आपको दिखाया था, वैसे ही अमोनिया अपना इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया था एच पॉजिटिव के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, दैट इज जस्ट अ प्रोटोन, उसके पास सिर्फ एक प्रोटोन है, नो इलेक्ट्रॉन. तो अमोनिया को जब हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है तो वो अपना लोन पेयर उसको दे देता है, अपने इलेक्ट्रॉन उसको दे देता है, और ये बनाता है NH4 पॉजिटिव आयन. सो दिस एच पॉजिटिव which this ammonium chloride is carrying, that H positive gives it acidic nature. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास acidic salt. इसकी pH कितनी होगी? Above 7 और below 7? Below 7. ठीक है, okay. Next thing. Next is, if you have this NaOH and H2CO3, what products are you going to get here? NaOH and H2CO3. It is carbonic acid. वो तो H2CO3 है ना. Product क्या मिलेगा? Product मिलेगा NaHCO3. ठीक है, अब इन दोनों में से, ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड. आई टोल्ड यू जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो हम कंज्यूम कर सकते हैं वो वीक एसिड्स हैं. हम कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम करते हैं उसमें कार्बोनिक एसिड होता है, तो ये वीक एसिड है. ठीक है, तो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ओवरऑल आपका जो सोल्यूशन होगा दैट विल बी बेसिक, जो सॉल्ट होगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर. ठीक है, सो ये है आपके एसिडिक एंड बेसिक सॉल्ट. ओके, आपने NaCl के बारे में पढ़ा है, NaCl कॉमन सॉल्ट, वेयर डू वी यूज इट? कुकिंग फूड. कुकिंग फूड, ठीक है. वेयर डू, फ्रॉम विच प्लेस डू वी ऑब्टेन इट? कहाँ से मिलता है NaCl? सी वाटर. सी वाटर, उसकी डीसेलाइनेशन करके या सिंपल इवेपोरेशन की प्रोसेस से हमें सॉल्ट मिल जाता है. किस फॉर्म में होता है? पाउडर होता है या क्रिस्टल्स होते हैं? क्रिस्टल्स. ठीक है, एकदम प्योर मिल जाता है या कुछ इम्प्योरिटीज के साथ मिलता है? उसमें कुछ इम्प्योरिटीज होती है. जो प्योर सॉल्ट होता है वो एक तो वाइट होगा कलर में, और ऊपर से आपके हाथ के साथ चिपकेगा नहीं. वी कॉल दिस प्रॉपर्टी हाइग्रोस्कोपिक. वो हाइग्रोस्कोपिक नहीं होता है. अगर कोई सॉल्ट हाइग्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर रहा है, दैट मींस उसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है. ठीक है, फाइन. सोडियम हाइड्रोक्साइड सुना है?
सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सी प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऑब्टेन करने के लिए? एक सॉल्यूशन से NaOH ऑब्टेन करते हो? लोअर अल्कली। लोअर एल्कली। क्या करते हैं इस प्रोसेस में? ये तो प्रोसेस का नाम हो गया, क्या करते हैं इस प्रोसेस में? हाँ जी, किससे ऑब्टेन करते हैं NaOH? रॉ मटेरियल क्या है इसका बोलो? सोडियम क्लोराइड। NaCl, इसका एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस मतलब वाटर में डिसॉल्व किया हुआ, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन भी हम बोलते हैं। तो कौन कौन सी आयंस आपको ऑब्टेन होती हैं इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl? नेम द फोर आयंस व्हिच यू ऑब्टेन हियर। भैया बोलो, Na पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Cl नेगेटिव एंड हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, दो पॉजिटिव आयन मिलती हैं और दो नेगेटिव आयन मिलती हैं। लेकिन आप इलेक्ट्रोलिसिस इसकी कैरी आउट जब करते हो तो इलेक्ट्रोलिसिस पे आपको मिलता है एक एनोड और एक मिलता है कैथोड। ठीक है, व्हाट इज चार्ज ऑन एनोड? पॉजिटिव। ठीक है, दिस एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड दिस कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। What process is carried out at anode? Is it oxidation or reduction? Anode पे हमेशा oxidation होती है, ठीक है? Anode पे हमेशा oxidation होगी। Oxidation means loss of electron, ठीक है? And cathode पे हमेशा reduction होती है और रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये ऑपोजिट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। अब ऑपोजिट चार्ज कौन कौन सी आयन पे है? एक है सीएल नेगेटिव आयन पे और एक है ओएच नेगेटिव आयन पे। ठीक है, तो ये दोनों आयन को अट्रैक्ट करता है अपने पास, और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है तो ये Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा अपने पास। ठीक है, अब क्या है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस इनको, ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज का क्या मतलब होता है कि आपने न्यूट्रल होने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन अपने पास रखा है तो आप उसको दे दो और न्यूट्रल हो जाओ। मतलब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव को अगर न्यूट्रल होना है तो दे हैव टू लूज दिस इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव को न्यूट्रल होना है तो दे हैव टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो अब इनमें से सारे आयंस तो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस नहीं हो सकते, तो इनमें कंपटीशन होता है कि कौन ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस होगा। ठीक है, अब देखो आप मुझे ये बता सकते हो सोडियम और हाइड्रोजन में से मेटल कौन है? सोडियम है, राइट। मेटल की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि मेटल वो होता है विच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स। जो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है हम उनको मेटल बोलते हैं। ठीक है, तो जो लूज करना चाहता है उनकी टेंडेंसी है ये, वो गेन तो नहीं करेगा। अब अगर सोडियम को आप बोलोगे कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कर लो या हाइड्रोजन को आप बोलोगे कि आप इलेक्ट्रॉन गेन कर लो, आपको क्या लगता है कौन रेडी होगा इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए? वो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हाइड्रोजन इज अ न्यूट्रल काइंड ऑफ एटम। ठीक है, जिसके ऊपर, जिसको हम स्टैंडर्ड लेते हैं कि इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स ज्यादा रिएक्टिव हैं, दैट मींस दे हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, और जिसके नीचे वाले एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव हैं। तो हाइड्रोजन एक न्यूट्रल चीज है, वो
मेटल या नॉन मेटल दोनों ही नहीं है, लेकिन जो मेटल है वो कभी भी इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करना पसंद करेगा, उसको तो उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लूज करना, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों में से बोलोगे कि तुम इलेक्ट्रॉन गेन करो तो कौन करेगा, Na पॉजिटिव या H पॉजिटिव? H पॉजिटिव, क्योंकि सोडियम की टेंडेंसी है लूज करना, वो बोलेगा मैं तो लूज करने वालों में से हूं, मैं नहीं गेन कर सकता, तो हाइड्रोजन को करना पड़ेगा क्योंकि सोडियम उससे ज्यादा अच्छा मेटल है, हाइड्रोजन तो मेटल भी नहीं है, तो इनमें से ये H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। अब H पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है तो वो H बनाता है, लेकिन H तो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो दो H पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन करके H2 गैस बना देंगे, ठीक है। अब ये सब कौन से इलेक्ट्रोड पे हो रहा है? ये हो रहा है कैथोड पे, तो कैथोड पे क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस ऑब्टेन हो रही है, ठीक है, तो उसका आप ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो, एनोड पे कौन सा चार्ज है, कैथोड पे कौन सा चार्ज है, कौन सी आयंस बनेंगी, किधर किधर जाएंगी, और कंपटीशन में कौन जीत रहा है, ठीक है। तो Na पॉजिटिव जो कि मेटल है वो लूज करना चाहेगा, गेन नहीं करेगा, तो H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन करके ये रिएक्शन होगा कैथोड पे और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। कमिंग टू एनोड, अब एनोड पे Cl नेगेटिव आयन है और OH नेगेटिव आयन है। मैंने आपको कहा था दो तीन दिन से, तब से कह रही हूँ, पीरियोडिक टेबल देख के आना, लास्ट की लाइंस देख के आना, इधर वाली और इधर वाली, तो इधर देखोगे तो आपको क्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों मिलेंगे। अब इनमें से जो ऑक्सीजन है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव या मोर नॉन मेटालिक, दिस इज मोर नॉन मेटालिक दैन क्लोरीन, ठीक है। जो नॉन मेटल्स होते हैं ना उनको टेंडेंसी होती है गेन करने की, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, ठीक है, लेकिन यहां पर उनको उल्टा करना है, उनको भी न्यूट्रल होना है, इनको न्यूट्रल होना था तो इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इनको न्यूट्रल होना है तो इनको इलेक्ट्रॉन देना है, जबकि इनकी नॉर्मल टेंडेंसी क्या है, लेने की, और जो ऑक्सीजन है वो बहुत स्ट्रांगली लेना चाहता है, ठीक है, और जो क्लोरीन है वो भी, उनकी दोनों नॉन मेटल्स हैं लेकिन क्लोरीन लेस नॉन मेटालिक है, ऑक्सीजन ज्यादा नॉन मेटालिक है, तो अगर इनमें कंपटीशन होगा कि कौन देगा तो ऑक्सीजन बोलेगा मैं तो नहीं दे सकता, मैं तो बहुत नॉन मेटालिक हूँ, स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ लेता हूं, तो देने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो किसको देना पड़ेगा, क्लोरीन को, ठीक है। सो क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन अगर वो एक इलेक्ट्रॉन देता है तो सीएल बनता है, लेकिन सीएल के फॉर्म में वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो दो क्लोरीन दो इलेक्ट्रॉन लूज करके सीएल टू गैस बनाते हैं, तो आपको एनोड पे रिएक्शन मिलेगा, टू सीएल नेगेटिव गिव्स यू सीएल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन, सो क्लोरीन गैस लिबरेट होगी एनोड पे और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी कैथोड पे, समझ आया, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस, नहीं तो चलो फिर आगे। नेक्स्ट है आपके पास ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन को ऐड करके बनता है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH twice, और जब आप इसमें क्लोरीन ऐड करते हो आपको मिलता है ब्लीचिंग पाउडर, इसका फॉर्मूला आपको पूछा जाता है विच इज CaOCl2, दिस इज कॉल्ड ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। अच्छा, सॉल्ट्स की ये भी एक कैटेगरी है, जैसे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में आप देख रहे हो कैल्शियम है, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है, ठीक है, दोनों चीजें हैं, तो इस तरह के सॉल्ट को हम बोलते हैं मिक्स्ड सॉल्ट,
दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड सॉल्ट. एक आयन नहीं है, दो नेगेटिव आयन है इसमें, ऑक्सीजन भी है और क्लोरीन भी है. सो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड. टेंसी कैन यू सी मी नाउ, कैन यू सी द बोर्ड? यस. ओके ओके, सो दिस इज कॉल्ड कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड विच इज अ मिक्स्ड सॉल्ट. आपने वो सुना है, वी कॉल दैट एलम. एलम सुना है? फिटकरी एंटीसेप्टिक भी होता है, कट या ब्लीडिंग हो तो उसको रब करते हैं, क्रिस्टल जैसा, सॉल्ट जैसा, सॉल्ट की क्रिस्टल होती है. रेज योर हैंड्स जिनको पता है एलम किसको बोलते हैं. ओके, सम ऑफ यू नो दैट. ठीक है, सो जैसे अगर शेव के दौरान भी कट लग जाता था तो पहले उसी को यूज करते थे. अब तो आफ्टर शेव लोशन वगैरह सब है, तो पहले वही यूज करते थे जनरली. वो एंटीसेप्टिक और एंटी कोएगुलेंट प्रॉपर्टीज होती है उसमें, ब्लीडिंग को रोक सकता था वो. तो वो जो एलम है दैट इज कॉल्ड डबल सॉल्ट. उसमें अमोनियम और एल्यूमिनियम की आयन्स होती हैं. तो ये सॉल्ट की कैटेगरीज है. ठीक है, मिक्स्ड सॉल्ट ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि ब्लीचिंग पाउडर है, और डबल सॉल्ट भी होता है. डबल सॉल्ट आप जब टाइट्रेशन वगैरह हायर क्लासेस में करते हो, प्रैक्टिकल्स करते हो, तो आप एलम आप सुनोगे या मोहर सॉल्ट आप सुनोगे, ये सारे डबल सॉल्ट होते हैं. ये भी एक सॉल्ट को क्लासिफाई करने की कैटेगरी है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हम ऐसा करते हैं, हम पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर आगे करेंगे. ठीक है, सो टेक आउट योर असाइनमेंट्स. वी लेफ्ट क्वेश्चन नंबर 20th यस्टरडे, सो विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 21 टुडे. सो क्वेश्चन नंबर 21 सेज, अमन एडेड अ फ्यू मिलीलीटर ऑफ कंसेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू जिंक ग्रैन्यूल्स. Which of the following takes place when metal zinc reacts with it? We have done this in the class. So option is, bolo. We did this in class. What is the correct option for this? Zinc plus H2SO4 gives you ZnSO4. D. 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 D is the correct option, right? Then comes bases. Bases mein first question says, a solution turns blue litmus red, then the pH of the solution is probably blue litmus red ho raha. Six. D. Okay. Which of the following are made up of bases? Antacids, tablets, soaps, toothpaste, all the above. Kaun sa basic? All the above. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्साइल ग्रुप्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज इट्स, क्या बोलते हैं नंबर ऑफ ओएच ग्रुप्स जो हम कैलकुलेट करते हैं बेस में, वी कॉल दिस बेसिसिटी. बेस की होती है एसिडिटी, एसिड की होती है बेसिसिटी. सो ही इज आस्किंग कि जो ओएच ग्रुप है बेस में उसको हम बोलेंगे एसिडिटी, जो एसिड में होता है उसको बेसिसिटी बोलते हैं. एसिड के कितने एच पॉजिटिव जो है वो फर्निश कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एसिडिटी. एंड बेस के पास जितने ओएच होते हैं दैट इज कॉल्ड इट्स बेस की एसिडिटी, एसिड की बेसिसिटी, राइट? सो आंसर इसका ए है, विच इज एसिडिटी. फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस. अभी किया हमने, देखो जरा ऑप्शन. ओके, हमने ब्राइन सॉल्यूशन लिया था जिसमें हमारे पास था NaCl, वी पुट वॉटर टू इट एंड वी गेट NaOH प्लस Cl2 प्लस H2. ठीक है, देन इज व्हेन द स्टॉपर ऑफ अ बॉटल कंटेनिंग कलरलेस लिक्विड वॉज रिमूव्ड, द बॉटल गेव अ स्मेल लाइक दैट ऑफ विनेगर. द लिक्विड इन द बॉटल कुड बी
कौन सा लिक्विड हो सकता एसिडिक। है? ओके एक मिनट। सो विनेगर लाइक स्मेल है तो वो होगा एसिटिक एसिड, जिसको हम विनेगर बोलते हैं। द बेस विच डज नॉट कंटेन मेटल, विच बेस डज नॉट कंटेन मेटल? अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक पैटर्न या डोलोमाइट? विच बेस डज नॉट कंटेन मेटल? मेटल, अमोनियम किया था हमने, अमोनियम NH4 पॉजिटिव होता है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड में मेटल नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो नॉन मेटालिक होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, कार्बन, ये सब ज्यादा पॉपुलर वाले नॉन मेटल है। इफ यू वॉन्ट टू राइट इट यू कैन राइट इट, दिस विल हेल्प यू। कार्बन इज नॉन मेटल, ऑक्सीजन इज नॉन मेटल, सल्फर इज नॉन मेटल, नाइट्रोजन, फॉस्फरस, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके नाम आप सुनते रहोगे, ऑल ऑफ दीज आर नॉन मेटालिक। ठीक है, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस? KOH, ZnO, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या NaCl? विच इज नॉट अ बेस? NaCl या दैट इज अ सॉल्ट? मैम हाँ जी मैम, प्लीज रिपीट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज क्लोर एल्कली प्रोसेस बेटा, जिसमें हमने किया था कि हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं NaCl का। तो एक्वस सॉल्यूशन NaCl मीन NaCl प्लस वॉटर, ठीक है? और हमें एनोड कैथोड पे क्या मिला था? एक जगह हाइड्रोजन गैस, एक जगह क्लोरीन गैस, और साथ में क्या बच गया था? NaOH। ठीक है, जब मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन और सोडियम में से सोडियम नहीं होना चाहेगा रिड्यूस, क्योंकि वो मेटल है, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन, देना चाहता है, उसकी टेंडेंसी देने की ज्यादा है, तो वो लेफ्ट आउट रह जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली सीएल नेगेटिव और ओएच नेगेटिव में से ऑक्सीजन ज्यादा नॉन मेटालिक है एज कंपेयर टू क्लोरीन, तो इसमें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाता है, OH नेगेटिव रह जाएगा। तो ये दोनों आयन्स Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जो कि ऑक्सीडाइज या रिड्यूस नहीं हुए, वो दोनों आपस में मिलके बना देते हैं NaOH। सो इसका करेक्ट ऑप्शन 4th क्वेश्चन का बी पार्ट है। ठीक है, ओके। उसके बाद ओके, कम टू एजर्शन रीजन फर्स्ट, एजर्शन रीजन वाला पार्ट निकालो। सो फर्स्ट इक्वेशन इन एजर्शन रीजन इज इन द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वॉटर। 21st क्वेश्चन, हाँ। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वॉटर इज हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? जब आप एसिड और बेस को कंबाइन करते हो तो वो एक्सोथर्मिक होता है। हाँ वन सेकेंड, ट्रू। ओके। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक,
And the reason given is the acid must always be added slowly to water with constant stirring. Is this true? Yes. ओके बट क्या ये रीजन करेक्ट है assertion की स्टेटमेंट के लिए? नो नो नो. व्हाट कुड बी द रीजन? एक्सोथर्मिक क्यों होता है वो? एग्जैक्ट रीजन ये है कि एक्सोथर्मिक वो इसलिए होता है क्योंकि ऑपोजिट आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से बहुत जल्दी से कंबाइन करती है, उनकी रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है, तो वो स्टेबल कंपाउंड बनाता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, सो एजर्शन एंड रीजन दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. जब आपको एसिड में, आपको कभी भी एसिड में वॉटर नहीं एड करना है, पहली बात. आपको वॉटर में ड्रॉप वाइज एसिड डिसॉल्व करना होता है. ठीक है, एसिड में आपको वाटर नहीं ऐड करना, वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगी. एकदम से टेस्ट ट्यूब, अगर आप टेस्ट ट्यूब में ऐड करें एकदम से वो बर्स्ट कर जाती है. ठीक है, तो आपको वाटर में एक एक ड्रॉप करके एसिड ऐड करना होता है ताकि वो वाटर उसकी वार्म्थ को, उसके एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, उसकी हीट को कंज्यूम कर सके और टेस्ट ट्यूब जो है वो बर्स्ट ना करे. सो एजर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन. सो ए इज द आंसर फॉर दिस. 22nd क्वेश्चन इज, salts of strong acids and weak bases are basic in nature. Okay. Acid है और weak base है, तो overall आपका जो salt बनता है that is acidic in nature. And the reason इसमें दिया NH4 is an acidic salt. Is it true? True. नहीं, पर इसमें हो गया. First assertion is wrong, but reason is a true statement. So option D is the correct option, right? Next question is question number 23. Question number 23 says, acid rain causes death of aquatic organisms. Is it true? True. Okay. And the reason given for this is acid rain increases salt concentration of water, which causes exosmosis of aquatic animals. Is this true? Hello? True. True. Have you read it somewhere? Ki aise exosmosis hota. Do you understand what is exosmosis? What is exosmosis? Exosmosis का मतलब होता है कि salt की concentration इतना ज्यादा बढ़ जाए जिसकी वजह से जो मतलब aquatic organism है उनके cells shrink कर जाए. ठीक है, वो salt की concentration से हो सकता है. मगर जो मैंने इसके बारे में पढ़ा है that is कि एसिड रेन से एल्यूमिनियम आयंस की अक्यूमुलेशन हो जाती है लेक में, जिसकी वजह से टॉक्सिक, दे आर वेरी टॉक्सिक टू एक्वेटिक लिविंग बींग्स, जो भी हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, जो भी हैं. पर एग्जोस्मोसिस मैंने नहीं पढ़ा. सो एनी ऑफ यू, जिस किसी ने पढ़ा है एग्जोस्मोसिस होता है, कहीं पर पढ़ा है? यस और नो? Yes or no? पढ़ा है ऐसा कि एग्जोस्मोसिस होता है, या फिर that was just a wild guess कि हो सकता है एग्जोस्मोसिस से हो? No. No. ठीक है, so according to me acid rain से aluminium ions की accumulation होती है, which is toxic to aquatic life. ठीक है, so first is correct. Yes, toxic होने के बाद भी वो death तो उसका cause करता है, but reason is not exosmosis, reason is accumulation of aluminium ions. So assertion is correct, but reason is false. Okay, 24th question. Assertion की statement है, HCl is a stronger acid than acetic acid. Is that true? Yes. Q? True.
HCl जो है वो मिनरल एसिड है, मैंने आपको बताया था मिनरल एसिड HCl, HNO3, H2SO4, दे आर ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड्स, बट ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो, जैसे एसिटिक एसिड इज एन ऑर्गेनिक एसिड, वो कंज्यूम किए जा सकते हैं. 25th क्वेश्चन, द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडेड टू, सॉरी अभी रीजन रहता था इसका. 24th का रीजन स्टेटमेंट है, On dissociation, HCl yields lesser hydrogen ions for the same concentration as compared to acetic acid. Is this true? H positive कहता है, HCl जो है वो कम H positive देता है. अगर वो strong acid है, HCl strong acid है acetic acid से, तो strong acid की strength किस पे measure करते हैं कि वो कितना H positive ion donate कर सकता है. तो जो भी अपना H पॉजिटिव आयन इजीली डोनेट कर सकता है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड. सो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वो डिसोसिएट होगा और वो ज्यादा H पॉजिटिव आयन देगा. बट इट सेज कि वो लेसर दे रहा है, तो दिस रीजन की स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू. सो assertion इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. तो क्या ऑप्शन बनेगी हमारे पास? ठीक है, ओके. Coming to 25th question, it says the acid must always be added to water with constant stirring. Is it true? True. Yes. क्योंकि मैंने आपको बोला acid में पानी नहीं डालना है, पानी में drop wise acid डालना है ताकि पानी उसकी जो भी exothermic reaction से heat produce हो रही है उसको consume कर सके. So the statement is true. And the reason is mixing of an acid with water increases the concentration of H positive ions per unit volume. Is this statement true? True. जब आप एसिड में वाटर ऐड करते हो तो H पॉजिटिव आयन की जो कंसेंट्रेशन है वो बढ़ तो जाती है, लेकिन ये तो डाइल्यूशन नहीं हो गया. मिक्सिंग ऑफ एन एसिड विद वाटर increases the concentration of H positive per unit volume. But is this reason correct for the assertion? Is the reason correct logic for the assertion or not? Tell me, क्या ये reason सही है? Like I told you, acid को मैंने आपको reason तो बता दिया था जब मैं आपको statement explain कर रही थी कि वो exothermic reaction है, इसीलिए हम उसको drop wise add करते हैं. H positive ion concentration बढ़ने की वजह से नहीं, हम heat की वजह से करते हैं. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जिसमें हम water add करेंगे तो उनकी dissociation बढ़ जाती है और H positive ions बढ़ जाते हैं, लेकिन इसका वो मतलब नहीं है कि इसीलिए हम उसको इस तरीके से एड कर रहे हैं कि पानी में एसिड इसलिए ऐड कर रहे हैं, एसिड में पानी नहीं ऐड करेंगे. क्यों? अगर वो मिक्स होंगे तो वो आउटपुट तो सेम ही रहेगी. ऐसा थोड़े ना है कि पानी में एसिड डालने से ज्यादा एच पॉजिटिव मिलेंगे और एसिड में पानी डालोगे तो कम एच पॉजिटिव मिलेगा. ये तो नहीं है लॉजिक. लॉजिक तो है कि हीट रिलीज होगी, इसीलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा ताकि आप हर्ट ना हो. ठीक है, तो इसमें दिस रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion. ठीक है, दो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो इसका बन जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए. ठीक है, तो अभी तक हमने जितना किया है उस पोर्शन के क्वेश्चंस वी हैव कवर्ड. वी आर जस्ट लेफ्ट विद फ्यू टॉपिक्स. तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कवर करके बाकी सारी असाइनमेंट करेंगे. आप प्लीज अपने और क्वेश्चंस के डाउट्स लेके आना. ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो आप पूछ सकते हो. ठीक है बेटा, ओके बाय. थैंक यू टीचर्स, थैंक यू स्टूडेंट्स. बाय मैम.
ये गाड़ी कल दे दिया ना,